बुधवार को महावीर जयंती का पर्व पूरे देश भर में धूमधाम से मनाया गया। इसी के तहत शिमला दिगंबर जैन सभा ने भी भगवान महावीर की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई। दिगंबर सभा ने महावीर की पूजा के साथ प्रभात फेरी और रथ यात्रा का भी आयोजन किया। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर भगवान महावीर की जयंती बुधवार को प्रदेश भर में धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर शिमला में भी कई कार्यक्रम आयोजित किए गए और भगवान महावीर के अहिंसा के संदेश को लोगों तक पहुंचाया गया। इसी के तहत श्री दिगंबर जैन सभा शिमला ने भी भगवान महावीर की जयंती श्रद्धा एवं हर्षोल्लास के साथ मनाई। दिगंबर जैन सभा के महासचिव अशोक जैन ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी दिगंबर जैन सभा द्वारा महावीर जयंती धूमधाम से मनाई गई। उन्होंने कहा कि भगवान महावीर की जयंती के अवसर पर सुबह पूजा अर्चना के बाद अखंड जाप किया गया। उन्होंने कहा कि भगवान महावीर की पूजा के साथ ही प्रभात फेरी और रथ यात्रा का भी आयोजन किया गया। की भांति इस साल भी महावीर जयंती का पर्व है। महावीर भगवान का जन्म कल्याण का उत्सव बड़ी धूमधाम से, छोटा समाज होते हुए भी शिमला में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। जैन अजैन सभी लोग इस धर्म को, क्योंकि भगवान महावीर का संदेश है अहिंसा परमो धर्म और जीव और जीव, उसका पालन करते हुए सब लोग इसके अंदर सम्मिलित होते हैं। आज किस तरह का कार्यक्रम का आयोजन किया गया? आज सुबह श्री मंदिर जी में अपनी पूजा अर्चना हुई और उसके बाद ये पालकी विहार हो रहा है और पालकी विहार के बाद जैन हॉल के अंदर शाम को एक भजन संध्या का प्रोग्राम रखा जा रहा है। इस साल हमारी प्रतिष्ठा वेदी को 100 साल पूरे हो रहे हैं और इसी साल हमारा प्रोग्राम ये है कि मंदिर जी में 5 प्रतिमाएँ और लगवाई जाएँ, 5 वेदियों की प्रतिष्ठा और की जाए। सो इस जिसके लिए हमने मकराना में ऑर्डर दे दिया है और 30 जून तक ये कार्य पूर्ण हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।